सवाई मानसिंह टाउन हॉल विश्व धरोहर सम्मानित जयपुर शहर में खड़ी एक भव्य इमारत है जो शहर के सुसम्मानित धरोहर स्थलों के साथ खड़ी है, जैसे हवा महल। चौकड़ी सरहद पर खड़ी ये इमारत सवाई राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में बननी शुरू हुई थी और 1883 में सवाई माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में तैयार हुई। उसी वर्ष जयपुर प्रदर्शनी को यहाँ दर्शाया गया था जिसमें 7000 से भी अधिक कला वस्तुएं थीं। इस प्रदर्शनी को जयपुर के लोगों ने खूब सराहा और 2 महीनों में 36,000 लोगों ने यहाँ अवलोकन किया। आजादी के बाद टाउन हॉल जयपुर राजधानी के विधानसभा के रूप में इस्तेमाल किया गया, परंतु नई विधानसभा के निर्माण के बाद टाउन हॉल की इमारत जर्जर अवस्था में रही। राजस्थान सरकार के नेतृत्व में सवाई मानसिंह टाउन हॉल की इमारत का संरक्षण हुआ और इसमें राजस्थान धरोहर म्यूजियम की स्थापना का निर्णय लिया गया जो इस भव्य इमारत को इसके कला प्रदर्शन के इतिहास से जोड़े रखे। प्रथम चरण में इमारतों पर संरचनात्मक संरक्षण के तहत नींव से लेकर स्तंभों तक पर सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार का कार्य हुआ। टाउन हॉल जयपुर शहर के इतिहास और कला प्रेम की एक श्रृंखला है जिसका संरक्षण हमारी ऐतिहासिक चेतना की वृद्धि के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। संरक्षण के कार्य में स्थानीय कलाओं का इस्तेमाल किया गया, जैसे आराइश। दूसरे चरण में संग्रहालय में दीर्घाओं की स्थापना का काम होगा। संग्रहालय की दीर्घाओं को 2 हिस्सों में विभाजित किया गया है जो जयपुर और राजस्थान के इतिहास को दिखाती हैं। यह दीर्घा राज्य के इतिहास, शिल्प कलाओं, लोक परंपराओं और भौगोलिक विभिन्नता पर रोशनी डालेगी। जयपुर से संबंधित दीर्घाओं में शहर के इतिहास, निर्माण और वास्तुकला के साथ साथ अमूर्त कलाओं पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यहाँ सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बसाए 36 कारखानों का भी उल्लेख होगा। राजस्थान से संबंधित दीर्घाओं में राज्य के इतिहास और भौगोलिक विविधता को दर्शाया जाएगा। इसी के साथ राज्य के 9 सांस्कृतिक क्षेत्रों पर भी रोशनी डाली जाएगी जो अपनी बोलियों, शिल्प कलाओं और वास्तुकलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। इस संग्रहालय में विभिन्न प्रकार की कलापूर्ण सामग्री हैं जो राज्य के कई संग्रहालयों से चुनी गई हैं, जैसे मूर्तियां, चित्रकला, शिल्पकला, संगीत वाद्य यंत्र, शिलालेख, फरमान और खगोलीय उपकरण। लोअर लेवल पर बच्चों के लिए विशिष्ट रूप से दीर्घाओं का निर्माण किया गया है जो खगोलीय विज्ञान और शहर निर्माण जैसे क्षेत्रों के बारे में बच्चों को खेलों और इंटरैक्टिव तरीके से ज्ञान प्रदान करेंगी।